कीर्ति निधि जी, इसे नीट की परीक्षा में लगातार सवाल उठते रहे और नीट के परिणाम आने से पहले कई राज्यों में पेपर लीक की बात सामने आई और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने तो पहले अटेम्प्ट में यही कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन बाद में जब विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया जो लगातार उनके साथ उनके परिवार के लोग भी आंदोलन करने लगे, लगातार सदन में सवाल खड़ा होना, लगातार नेता सवाल खड़े करने लगे, तब जिस तरीके से सरकार ने भी स्वीकार किया गड़बड़ी हुई और एनटीए ने भी स्वीकार किया गड़बड़ी हुई। मैं राजू जी की कई बातों से सहमत होते हुए बात कहना चाहता हूं, नेट की परीक्षा की शिकायत तो विद्यार्थियों ने सड़कों पर आकर के नहीं किया था, नेट की परीक्षा निरस्त कर दिया एनटीए ने, लेकिन नेट की परीक्षा क्यों नहीं निरस्त करना चाहता? और लगातार गड़बड़ियां अगर नहीं होती तो सीबीआई जांच में केवल बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, कलकत्ता, गुजरात में लगातार गिरफ्तारियां हुई और जिस गड़बड़ी के तार चार चार पांच पांच स्टेट से जुड़े हो, अगर वो परीक्षा नहीं निरस्त हो पा रहे हैं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चूंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना है, लेकिन सरकार की भूमिका, एनटीए की भूमिका, दोनों की भूमिका एक जैसी है, दोनों के सुर एक जैसे हैं और ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मंशा क्या है? क्यों ये एक सुर, क्यों सुर एक जैसे हैं? कीर्ति निधि जी, ये मैं समझना चाह रही हूं आपसे। कहा गया, कानून में कहा जाता है कि आरोपी एक दो चाहे जितने बच जाए लेकिन कोई गुनाहगार को सजा ना हो, कोई गुनाहगार को जेल न, बेगुनाह को जेल न भेजा जाए। उसी तरीके से अगर गड़बड़ियां हुई हैं उसका लाभ एक बच्चे को मिला हो, 100 बच्चे को मिला, ये पूरी परीक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहा है। अगर पूरी परीक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो गया तो एनटीए को ही परीक्षा रद्द करनी चाहिए। बोले सिद्धार्थ यादव, जवाब दीजिए। देखिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर। सबसे पहले तो पूजा जी, मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी प्रवक्ताओं से, ये मामला कोर्ट के अंदर है, परीक्षा को निरस्त करना कि नहीं करना ये कोर्ट तय करेगा, एनटीए नहीं तय कर सकता, केंद्र की सरकार नहीं तय कर सकती, ये कोर्ट को तय करना। और बहस ही उस बात पे हो रही है, तारीख ही उस बात पे लग रही है और कोर्ट के सामने जब एप्लीकेंट्स जा रहे हैं और सभी लोग जा रहे हैं अपनी बात। मैं आपके बीच में नहीं बोला था कीर्ति, मैं आपके बीच में नहीं बोला कोर्ट में, कीर्ति निधि, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, समय बर्बाद करना है तो कर लीजिए। बोले। अब पूजा जी, पहली बात ये, दूसरी बात, मैं जितनी बातें कंचना जी गिरा रही थी, उसने ऐसा बयान दिया, ऐसा वहां पे आया, वो एफआईआर वहां पे दर्ज हुई, तेजस्वी भैया ने तो नहीं करी, तेजू भैया तो नहीं जाके कर रहे थे, सरकार हमारी एफआईआर हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं, पढ़ते हम खोल रहे हैं, निकाल के हम ला रहे हैं। और ये तब है पूजा जी जब मैं इस डिबेट में ना ये कहूंगा कि भी आप कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ। नहीं नहीं, आप यही कह रहे हैं ना, मैं अंतिम इस बात पे, और अगर पेपर लीक आपके स्तर पर ही हो जाता, एनटीए कर देता, तो शायद मामला भी कोर्ट तक ना पहुंचता। मैं अंतिम पूजा जी इसी बात पर आऊंगा, इसीलिए इस पूरी बहस में जब पूरी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो रही है, मैं किसी आरजेडी के दौर में क्या होता था, समाजवादी के दौर में क्या होता था और कांग्रेस के दौर में क्या होता था वो तो बता भी नहीं पाएंगे, रूह कांप जाएगी, ये मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा, किसने किसके लिए कमरा बुक किया मैं नहीं करूंगा। अब बात आ गई पेपर लीक की, जो बातें कही गई कि वाइड स्प्रेड पेपर लीक है या नहीं है, कंचना जी, मन से बनाकर नहीं कही गई। जितनी पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई है, हियरिंग्स आई हैं ऑन ऑल सच मैटर्स, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। अच्छा, इस हलफनामे के थ्रू सिद्धार्थ एक बात बताइए बहुत जेन्युइनली, क्या छात्रों को इंसाफ मिलता दिख रहा है? देखिए पूजा जी, मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा, इंसाफ हलफनामे से नहीं मिलता है, इंसाफ कोर्ट से मिलता है। अगर कोर्ट ने हलफनामा दायर करने के लिए हमारी एजेंसीज को कहा तो हमारी एजेंसीज ने यथास्थिति उनके सामने बोले, डॉक्टर पूजा नहीं रखेंगी कि कितने टॉप 100 कैंडिडेट्स में कितने लोग कितने सेंटर्स में थे, कितने शहरों में थे, क्या आईआईटी मद्रास कह रहा है, बाकी सेंटर्स की क्या खबर है, क्या नहीं कही जाएगी। विफलता है, ये सरकार की विफलता है कि कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, ग्रेस मार्क्स की बात करें, कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा काउंसिल रोकने के लिए, कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा ये कहने के लिए कि अगर 0.01% भी अगर लीक का है, कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा कि अगर आप गेहूं को भूसे से अलग नहीं करेंगे। सरकार कहां है? सबसे बड़ी बात, सरकार की जिम्मेदारी कहां है? सरकार ना सदन पे इस पर डिस्कशन चाहती है, सरकार सिर्फ एक मौलिक जिम्मेदारी ले लेती है, ना वो एनटीए चेयरमैन पे एक्शन लेती है। आप सर, आप कोर्ट के पीछे खड़े होकर अपनी नाकामियों को, अपने नकारापन को ढक नहीं सकते। आज अगर सुप्रीम कोर्ट बच्चों के साथ खड़ी नहीं रहती तो 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल चुका होता। आज अगर सुप्रीम कोर्ट आपसे आपके यू नो नीतिगत, आपके बिंदुवान
एक्शन लिया तो आपने तो एनटीए की पीठ थपथपा दी थी। ठीक है,